नमस्कार दोस्तों, क्विक फिक्स प्रो के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का वीडियो हमारा होने वाला है टायर्स पे। ये जो आप टायर मेरे सामने देख रहे हैं, मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से ये टायर ख़राब हो गया था। और जिस टाइम ख़राब हुआ था, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी टायर की मेंटेनेंस कैसे की जाती है। तो ये बुलेट का टायर है, एकदम नया टायर है। और हुआ ये था कि मेरे बुलेट में लीकेज था ऑयल का, ब्रीदर पाइप से। अगर कुछ लोगों को जानकारी होगी तो ब्रीदर पाइप जो है वो सेम हमारा ईवेप सिस्टम की तरह ही एक टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ से क्रैंक केस से जो वेपर्स आते थे, मतलब इंजन ऑयल वहाँ से लीक होता था। मुझे किसी ने गाइड किया कि आप क्या कीजिए, आप उस पाइप को अपनी जो चेन है, जो मतलब गाड़ी की चेन है, वहाँ पे उसको पाइप को लगा दीजिए। होगा ये कि आपका जो चेन है वो लुब्रिकेट होती रहेगी और साथ साथ में आपका जो ऑयल जो लीक हो रहा है उससे भी कोई मतलब खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हुआ ये कि वो चेन पे जो ऑयल पड़ा वो चला गया मेरे टायर पे और मेरे टायर का उसने कर दिया सत्यानाश। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, आपके टायर का सबसे बड़ा दुश्मन है ऑयल, और उससे साथ में जो दूसरा दुश्मन है वो है हीट, और तीसरी जो चीज़ है वो है आपका ब्रेक ऑयल। तो ये तीन चीज़ें तो आपको ज़िंदगी में कभी अपने टायर के ऊपर पड़ने नहीं देनी है दोस्तों। और चौथी जो चीज़ है वो है पेंट। कभी कभी होता ये है कि हम स्प्रे पेंट करने के चक्कर में अपने रिम्स को वो पेंट जो है वो फेंक देते हैं टायर्स पे, वो भी एक दुश्मन है आपके टायर का। तो चलिए टायर के बारे में सबसे पहले कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं, जो उनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। बहुत सी आपने वीडियोज़ देखी होंगी, पर आज मैं जो बताऊँगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और बाद में बात करेंगे हम कि कैसे जो पंक्चर वाले हैं वो आपको बनाते हैं बेवकूफ़, और कैसे आप उनके चंगुल में फंस जाते हो। और उसके बाद में जो बात करूंगा कि आपके टायर की मेंटेनेंस आपको कैसे करनी है। और लास्ट में वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि जो टायर की रोटेशन है, स्पेशली जो फ्रंट व्हील कार जो होती है उसकी टायर की रोटेशंस हमको कितने टाइम पे करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, मतलब आपकी जो स्टेपनी है उसको भी कैसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर कुछ नंबर्स देख रहे हैं। ये मेरी गाड़ी का टायर है, कार का। इसके ऊपर लिखा है 155/80R1379T। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि 155 का मतलब जो है वो हमारे जो टायर की विड्थ है वो है, और 80 जो है वो उस विड्थ की परसेंटेज है, मतलब जो टायर की हमारी हाइट रहती है वो है। आर का मतलब रेडियल है, और 13 का मतलब जो मेरे व्हील है, जो रिम है उसकी जो डायमीटर है, मतलब 13 इंच का टायर है। पर 79 और टी का मतलब आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, या फिर कुछ लोगों को पता होगा। प्लस दूसरी चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ वो 155, जो 155 mm जो आपके लिखा है वो कैसे नापते हैं, मतलब कहाँ से नापते हैं उसको, ज़्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग करते हैं क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सोचते हैं कि 155 होगा, पर दोस्तों मैं बताता चलूँ, ये होती है हमारी ट्रेड विड्थ, ठीक है, जो हमारे टायर का जो ट्रेड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 150 mm हो गया हमारा, पर होना चाहिए यहाँ पे 155 mm। तो 155 mm की जो मतलब हमारी विड्थ है टायर की, वो कहाँ से नापते हैं, तो ये आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका एक्चुअल मेजरमेंट होता है टायर के वाइडेस्ट पार्ट से। आप देखेंगे साइड में हल्का सा टायर जो है बल्ज है, मतलब हल्का सा बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ से जब आप नापेंगे, ठीक है, तब आपका आएगा 5.5 सेंटीमीटर, मतलब 155 mm के करीब में, राइट। तो यही सही तरीका है आपके टायर की विड्थ नापने का। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, जो टायर की आपकी हाइट होती है वो होती है आपकी विड्थ की रेशियो। जैसे 155/80 लिखा है, मतलब 155 का 80%, ठीक है, वो आपकी टायर की हाइट रहेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है आपका, ये आपके 155 का 80% होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो 79 लिखा था आपके उसमें, 155/80R13 79T, उस 79 का मतलब जो है वो एक कोड है जो कि ETRTO देता है, यूरोपियन टायर एंड रिम टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके कोड के हिसाब से 79 का मतलब है 437 kg, मतलब मैक्सिमम लोड जो आपका टायर, एक सिंगल टायर उठा सकता है वो है 437 किलोग्राम, राइट। तो 79 जो है, आप समझ गए होंगे, वो आपका कोड है। और उसके बाद में जो टी लिखा है वो भी दोस्तों एक कोड है। तो पहले मैं आपको गाड़ी पे दिखाता हूँ, ये जो 79 437 किलो लिखा है वो एक्चुअल में आपकी गाड़ी में भी है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम लोड 437 kg,
राइट। तो अभी आप समझ गए होंगे 79 का मतलब है 437 किलोग्राम आपका एक टायर जो है वो मैक्सिमम लोड उठा सकता है। और उसके बाद में जो टी लिखा था वो ETRTO के हिसाब से वो आपका स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड जो है वो टायर कितना झेल सकता है। तो यहाँ है 190 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपके टायर की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड पे उसको ना चलाएं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं पंक्चर जो आपके लगाते हैं वो आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों के साथ में ये हुआ होगा, जब भी आप पंक्चर वाले के पास में जाते हैं वो बोलता है साहब आपकी ट्यूब ख़राब है, या आपका टायर का सत्यानाश हो गया, टायर ख़राब है, या फिर आपके टायर की जो नलकी है राइट, जो वाल्व है वो उड़ गया है, मतलब चला गया है। तो कुछ ना कुछ बहाना बना के वो आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। तो उनका सबसे पहला तरीका ये होता है, जब भी वो टायर खोलने की कोशिश करते हैं, जो इनके हाथ में आप छीनी जैसे देख रहे हो, ये तेज़दार चीज़ से आपका टायर हल्का हल्का काटने की कोशिश करेंगे। तो आपको एकदम ध्यान से देखना है कि वो टायर सही तरीके से खोल रहा है या नहीं खोल रहा है, मतलब किसी धारदार चीज़ से वो ज़बरदस्ती जो है वो टायर को फाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। दूसरा जो उनका तरीका होता है, आपके टायर का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है आपके टायर की साइड वाल, तो साइड वाल जो होती है उसमें वो हल्की सी जो है पिन भी लगा देंगे तो वहां पे पंक्चर हो जाएगा राइट। तो साइड वाल जो है उसको फाड़ने की कोशिश करते हैं, और ये सबसे खतरनाक है दोस्तों। साइड वाल अगर आपकी खराब हो गई तो मतलब ये समझ लो आपका नया टायर जो है वो हो गया एकदम बेकार और बहुत ही डेंजरस। दूसरा जो उनका तरीका है वो ट्यूब वाले टायर का मैं बताता हूँ। जो ट्यूब वाले टायर होते हैं उनमें वो लोग क्या करते हैं, जो टायर का वाल्व होता है, ट्यूब का जो वाल्व होता है राइट, ये जो अभी आप पॉइंट आउट देख रहे हैं, इस वाल्व को वो ओपन नहीं करते हैं पहले। वो क्या करेंगे, इसको चढ़ाए रखेंगे और उसके बाद में आपकी ट्यूब को ज़ोर से खींचेंगे। उससे होगा क्या, आपका ये जो नलकी है वो जाएगी टूट और आपको ट्यूब करवानी पड़ेगी चेंज। तो आप कीजिए क्या, जब भी अगर ट्यूब वाला टायर है उसको खुलवाना हो आपको, तो सबसे पहले उसको बोलिए भाई ये जो वाल्व है इसको सबसे पहले आप निकालो। तो ये जो 2-3 स्कैम थे इससे आप थोड़ा हल्का सा बच सकते हैं। फिर भी बोलते हैं ना चोर जो है वो चोर ही होता है, उसको वही करना है जो काम करना है। अब हम बात करेंगे टायर के ख़राब होने के बारे में। तो अभी आप दोस्तों जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक तरफ का टायर मेरा घिसा हुआ है राइट। ये होता है टायर की नॉन रोटेशन की वजह से या फिर उसकी अलाइनमेंट ख़राब होने की वजह से। तो इससे कैसे बचा जाए मैं बताता हूँ आपको। एक जो प्रॉब्लम है वो होती है टायर में बल्ज आ जाना, मतलब उसमें जैसे फोड़ा होता है ना, फोड़े की तरह वो टायर फूल जाता है। ये आपका होता है दोस्तों जो रफ़ रोड्स होते हैं हमारे, या फिर जो हमारे स्पीड ब्रेकर होते हैं, खड्डों वगैरह पे भी हम गाड़ी ऐसे दौड़ाते हैं जैसे मतलब एकदम फाइटर प्लेन की तरह। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके टायर की एक जगह किसी पे प्रेशर बनता है अनइवन, और उसकी वजह से ये बल्जनेस आ जाती है। दूसरी हम गलती क्या करते हैं, अभी मैक्सिमम लोग कर भी रहे होंगे, आपकी गाड़ी लॉकडाउन में एकदम स्टैंड स्टिल खड़ी है, तो जहाँ पे आपके टायर का कॉन्टैक्ट है ग्राउंड से वहाँ पे आपके पड़ जाएंगे पैचेस ठीक है। तो आपके चारों टायर ख़राब होने वाले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है अपनी गाड़ी को हल्का फुल्का जो है वो आगे पीछे घुमाते रहिए, मतलब एक ही स्पॉट पे कॉन्टैक्ट मत होने दीजिए गाड़ी के टायरों का ग्राउंड के साथ में। तो अभी बात करते हैं कि कितने समय तक हम अपनी गाड़ी के टायर जो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी गाड़ी कम चली है पर मेरे टायर जो है मतलब पुराने ज़्यादा हो गए हैं वो, मतलब मान लो गाड़ी मैंने खरीदी थी 2010 में, अभी तक चली वो 7,000 किलोमीटर ही है, पर मैंने अपने टायर जो है वो चेंज नहीं किए, तो क्या वो सेफ़ है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, सबसे पहले देखिए आपके टायर के ऊपर में उसकी मैनुफैक्चरिंग डेट हमेशा लिखी रहती है। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है 18 और 16, इसका मतलब है मेरा टायर जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो 18th week of 2016, मतलब 18वें हफ्ते 2016 के यहाँ पे मेरा टायर जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है। तो जनरली मैं आपको बता दूँ, जो हमारा टायर है नॉर्मल कंडीशंस में कभी कभी 10 साल तक भी आराम से चलता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपका टायर जो है उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, चाहे वो साइड बल्जिंग हो जाए मतलब फोड़ा जैसा निकल जाए साइड वॉल में, या फिर आप देखेंगे जो आपके ट्रेड वियर इंडिकेटर हैं मतलब टायर के बीचों बीच उसमें, वहाँ पे क्रैक्स नहीं होने चाहिए ठीक है, मतलब कोई फिजिकल डैमेज आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। और दूसरा जो चीज़ है वो कोई ऑयल स्पिल मतलब तेल वगैरह या पेंट वगैरह या ब्रेक ऑयल वगैरह उस टायर के ऊपर में आपको नहीं फेंकना है। तो अभी करना क्या है, सबसे ज़रूरी आपकी टायर की लॉन्ग लाइफ के लिए है टायर का रोटेशन और व्हील बैलेंसिंग, ताकि इवन जो है इवनली चार पाँचों के पाँचों टायर इंक्लूडिंग स्टेपनी जो है आपका इवनली यूज़ हो, उस जो सारे टायर हैं वो एक तरह ही वियर आउट हों। तो मैं आपको बताता हूँ, जो फ्रंट
मतलब ड्राइव व्हील ड्राइव कार होती है उसमें टायर रोटेशन कैसे की जाती है। मैक्सिमम कंपनियां रिकमेंड करती हैं कि हर 5,000 किलोमीटर में अपने टायर आप जो रोटेट करवा लीजिए, पर मेरा पर्सनल मानना ये है कि 2,500 किलोमीटर पे, 2,500 किलोमीटर्स पे आप टायर रोटेट कीजिए ऐसे, मतलब जो आपके दोनों आगे वाले टायर हैं उनको वैसे के वैसे ही पीछे ले आइए, और जो आपके पीछे वाले टायर हैं उनको क्रिस क्रॉस मैनर में, जो लेफ्ट वाला पीछे वाला टायर है वो आगे राइट में जाएगा और जो राइट वाला पीछे वाला टायर है वो आगे लेफ्ट में जाएगा। ये आप कीजिए 2,500 किलोमीटर पे। और जो 5,000 किलोमीटर्स हैं, ठीक है, 2,500 पे तो आपने ये कर लिया, 5,000 किलोमीटर जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके एवरी 5,000 किलोमीटर्स पे, तब आपको क्या करना है, जो आपकी स्टेपनी है, स्टेपनी को भी आपने यूज़ करना है उसमें। तो उसको कैसे यूज़ करना है, जो आपकी स्टेपनी होगी वो चली जाएगी आपके पीछे वाला जो राइट साइड का टायर है, राइट, और जो आगे वाला राइट साइड का टायर होगा वो आपका बन जाएगा स्टेपनी, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह से आपको 5,000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर पे अपने टायर रोटेट करने हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि सारे टायर में जो मेरे हैं वो इवनली यूज़ हों। होगा ये कि आपकी स्टेपनी जो है वो डिक्की में पड़ी रह जाएगी 10 साल तक, और वो पड़ी पड़ी हो जाएगी ख़राब, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काइंडली अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि मुझे पता लग पाए कि आपको इससे कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। मेरी वीडियो पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।